हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच, नया अंदाज। भारी पुलिस बल के साथ वन विभाग भू माफिया का अतिक्रमण तोड़ने पहुंचे, लोगों ने पत्थरबाजी करके खदेड़ा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन जेसीबी के कांच फूटे, मची भगदड़। जिले की वन भूमि पर भू माफियाओं की नजर लगातार लगी हुई है, लेकिन वन विभाग की सुस्ती की वजह से ये भू माफिया लगातार वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो वन विभाग भी चीन चीन कर इनकी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अपने कर्तव्यों से इतिश्री करने में लगी हुई है। दमोह में वन भूमि पर कब्जा करने वाले एक भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना तब महंगा पड़ गया जब भू माफिया के गुर्गों ने वन अमले पर हमला कर मशीन में तोड़फोड़ करते हुए पीछे खदेड़ दिया। और जब भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी पहुंचे तब जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो सकी। अज्ञात हो कि दमोह की सीमा से सटे आम चौपरा स्थित वन भूमि पर सैकड़ों लोग कच्चे अतिक्रमण किए हुए हैं, लेकिन वन विभाग की कार्रवाई कागजों तक ही सीमित रही। वहीं जब एक भू माफिया ने 2000 वर्ग फुट पर पक्का अतिक्रमण करना शुरू किया तो वन विभाग आज सुबह कार्रवाई करने पहुंच गया। वन हमले को देखते ही भू माफिया के गुर्गों ने पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में वन कर्मी तो बच गए, लेकिन जेसीबी मशीन के कांच फूट गए। हमले की जानकारी लगते ही भारी पुलिस सहित थाना प्रभारी, तहसीलदार मौके पर पहुंचे तो हमलावर भाग खड़े हुए। इसके बाद पूरे नवीन पक्के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई जो शाम तक जारी रही। एसडीओ सत्येंद्र सिंह का कहना था कि वो भू माफिया के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। जब मीडिया ने उनसे अन्य अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की बात पूछी तो उनका जवाब गोलमोल रहा। पूर्व में हुए अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई नियम के अनुसार नोटिस भेजकर करने की बात कही गई, तो नवी अतिक्रमण अभी हटवाने की कार्रवाई जारी है। नहीं, अभी एक हफ्ते पहले से ही स्टार्ट हुआ है, नया कंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग तोड़ रहे हैं। नहीं, सुबह हम लेकर के आए थे अतिक्रमण तोड़ने के लिए, लेकिन लोग आसपास के लोग पत्थर फेंकने लगे और जेसीबी को तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया, तो फिर सुबह बंद कर दी थी कार्रवाई, भी फिर से स्टार्ट करी है। किसका अतिक्रमण है ये? किसी यादव का है, यहाँ पे लोकल कोई रहते हैं, उन्हीं का है। वन विभाग की भूमि? हाँ, वन विभाग की भूमि। कितने मकान अतिक्रमण? नहीं, कुछ तो पुराने हैं यहाँ पे, लेकिन जो नए कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं उनको हम अभी तो नहीं बनने दे रहे, तुरंत तोड़ रहे हैं। जो पुराने हैं उनके नियमानुसार नोटिस लेके उनको हटाया जाएगा। ये कई मकान जो पुराने हैं, कई वर्षों से बने, अभी तक वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, वजह क्या है? नहीं, कार्रवाई तो सब में कर रहे हैं, लेकिन किसी में नोटिस जारी हुई है और जिनमें नहीं हुई है वो सब लोग जारी करके उस सबको हटा रहे हैं। ये जो नए अतिक्रमण हो रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं होने दिया जा रहा है। नहीं पता है, इसीलिए तो हटा रहे हैं, एक हफ्ते हुआ है, नया ही है ये, और इसको हटाने की कार्रवाई जारी है। और सर, ये पुराने जो पक्के मकान यहाँ पे बने हुए अतिक्रमण करके, उन पर कार्रवाई कब की जाएगी? सभी पे कार्रवाई की जाएगी, सभी को नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो लोग जिसमें रह रहे हैं उनको नोटिस देके तब हटाया जाएगा, क्योंकि ये नया है, इसमें कोई रह नहीं रह सकता, तुरंत हटा रहे हैं। जो हमला किया गया है, क्या उनके ऊपर तैयार करेंगे? हाँ बिल्कुल, सबके ऊपर। इसका राजनीतिक संरक्षण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।